मैं हूँ दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पेज पे आपको जो जो मैंने गेम्स लिए, अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छे लगे हो तो जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज मैं फिर से आपके लिए दो ऐसे गेम लेकर आई हूँ जिससे आपकी जो किटी पार्टी होगी या आपकी तीज पार्टी होगी उसमें बिल्कुल आप छाई जाओगी। और इसमें जब सारी लेडीज बढ़िया बढ़िया बिल्कुल तैयार होंगे तो फिर तो उनकी तो बात ही बन जाएगी। तो उसके लिए देखिए मैं कितनी सारी चीजें लेकर के आई हूँ। और ये गेम जो है इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कलेक्ट करी हैं जो हमारी मेकअप की भी हैं, और इस तरीके से हमें तैयार होना है। तो किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने अपनी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कराया था और सब लोग बहुत खुश हुए थे। तो इस गेम को जब मैं कराऊंगी, इसकी जो मैंने कराया था इसकी वीडियो भी मैं इस गेम में साथ में डालूंगी, तब आप देखिएगा ये गेम कितना मजेदार और कितना लाजवाब है। तो चलिए बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। और अगर ये वाला गेम पसंद आया और मेरा दूसरा गेम भी आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आपसे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब बताती हूँ इस गेम को कैसे खेलना है। मैंने एक अम्ब्रेला ले लिया है और ये देखिए ये कलरफुल अम्ब्रेला है, बहुत ही खूबसूरत अम्ब्रेला है। और देखिए इसके संग में मैंने एक ये माला ली है, ये माला ये बहुत प्यारी लगती है। साथ ही एक रिंग ली है बड़ी सी, एक हेयर बैंड है, एक देखिए गॉगल्स है, कितने प्यारे गॉगल्स हैं, आपको लग ही रहा होगा इसमें पार्टी में जान कैसे आने वाली है। और ये एक माथे पे लगाने वाला बेंदा है, और ये मैंने इस तरीके की इयर रिंग्स लगे हैं जो फटाफट से आपके कान में पहने जा सके, और ना कान में पहन सके तो आप इन्हें बालों में भी अटका सकती हैं। ये एक चूड़ी, बड़े साइज की चूड़ी रखनी है ताकि सबके हाथों में आ जाए, एक क्लेचर और ये बिंदी का पत्ता। अब इन सब चीजों को हमें एक बास्केट में रख देना है, और अब क्या करना है इस तरीके से आपको बास्केट में रखना है और वन बाय वन मेंबर को बुलाना है और उनसे ये कहना है, एक मिनट का टाइमर लगा देना है। और आपको कुछ दूरी पर, जैसे आप डिस्टेंस पे, आप एक तरफ तो ये सारी चीजें रख दीजिए और एक तरफ आप बहुत सुंदर सा कुछ स्टॉल बना दीजिए जहां पे खड़े होकर जो भी आपकी लेडीज है वो जो भी पहन के जाए और खड़े होकर के हाय मैं कितनी सुंदर हूँ। तो इसमें जब उन्होंने इस तरीके से एक एक चीज पहनेंगे और जब ये कहेंगे हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, तो आप सोचिए कितना मजा आने वाला है, कितना फन होगा आपकी पार्टी में। तो चलिए एक बार फिर आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से करना है, कि आपको वन बाय वन मेंबर को बुलाना है और उनसे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस रखिएगा, ताकि एक तरफ ही रखेंगे तो जब वो दौड़ दौड़ के आएंगी, पहनेंगी एक चीज और दौड़ के जाएंगी और दूसरी तरफ जाकर के कहेंगे हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, तो आप सोचिए मजा ही आ जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये जो अम्ब्रेला है इसको आपको टांग लेना है अपने ऊपर, ये अम्ब्रेला आपके पास ही रहेगा। इसके बाद इसको वन मिनट में आप ये जो भी आपकी मेंबर होगी वो इसे फटाफट से गले में पहन लेंगी और कहेंगी हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, और फिर दौड़ते हुए जाएंगी और फिर ये पहन लेंगी। उनको जितनी ज्यादा ज्यादा जल्दी से जल्दी चीजें पहननी है वन मिनट में, जितनी ज्यादा ज्यादा अब ये फटाफट से ये पहन लेंगी। और फिर जहां पे आपने कोई भी अगर सुंदर सा बना दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी का, या तीज की पार्टी है तो तीज की पार्टी का आप सुंदर स्लोगन वगैरह लगा करके सुंदर से बैलून्स वगैरह लगा के सजा दीजिएगा, वहां पे करिएगा बहुत सुंदर लगेगा। और फिर ये कहेंगे हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, इसी तरीके से गॉगल्स पहनेंगी एक मिनट में और कहेंगे हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, इसी तरीके से हाथ में रिंग पहन लेंगी और कहेंगे हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, इसी तरीके से फटाफट से करना है हेयर बैंड लगा लेंगी और कहेंगे हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, कानों के इयर रिंग जो है इस तरीके से अटका लेंगी और दोनों अटकाने हैं, ताकि क्या कहते हैं एक अगर आपका एक अटकाएंगे तो आउट माना जाएगा। इस तरीके से हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, फटाफट से बेंदा लगा लेना है, जितनी जल्दी करेंगे उतना ही, जो सबसे जल्दी कर लेगा वही फर्स्ट आएगा। अटकाने में और वो करने में टाइम लगेगा। देखिए हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, क्लेचर लगाएंगी हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, और इसी तरीके से बिंदी लगा लेंगी और कहेंगी कहीं पे भी आप माथे पे लगा लीजिएगा हाय मैं कितनी सुंदर हूँ। आप देखिए
अच्छे लग रहा है और फनी फेसेस बनेंगे और प्यारे से लगेंगे, कितने बढ़िया लगेंगे। तो गाइस इसी तरीके से एक मिनट हो जाएगा और जो सबसे ज्यादा से ज्यादा चीजें लगाएगा वही हमारा लकी विनर होगा। और इसमें सब इस तरीके से फोटो भी खिंचाएंगे और क्या क्या सब चीजें पहनेंगे। कोई ये मैंने 9-10 चीजें रखी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें रख सकते हैं इसमें। और भी चीजें आ सकती है, काजल भी आ सकता है, लिपस्टिक भी रख सकते हैं आप, मैंने भी लिपस्टिक नहीं रखी है, और बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं। तो जब आप ये सब रखेंगे और इसमें बिल्कुल गोवा थीम का भी लगता है कि बिल्कुल ये जब माला पहन लेते तो बिल्कुल गोवा थीम का लुक लगता है। तो ये आप गोवा थीम किटी पार्टी में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सब चीजें पहनकर और जब फोटो क्लिक कराएंगे आपकी जितनी फ्रेंड्स होंगी तो वो तो मजे ही और फनी फन होगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये मेरा ये गेम? बहुत ही मस्ती वाला गेम है और इसमें बहुत ही फन आएगा और बिल्कुल तीज की पार्टी का गेम है। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट गेम की ओर चलते हैं। अब मैं इस गेम की कुछ झलकियां आपको दिखाती हूँ। मैं कितनी सुंदर हूँ, अंगूठी तो है नहीं, अंगूठी हाँ वेरी गुड, कैसे करना है तुम लोगों ने सही किया, चक्कर खोल के दी थी वाली आपकी, ये तो आपने कितनी सुंदर लग रही हो। अरे भैया गिर मत, अंगूठी भी डाल दिया अगर कम हो गई। कितनी सुंदर लग रही हूँ, अच्छा अब देख ले कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं इसका ढक्कन गिर गया, लिपस्टिक मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, यहाँ से डरना है ना सर? नहीं नहीं ऐसा कुछ, अरे मैं तो नेता लग रही हूँ, सुंदर नेता लग रही हूँ, सुंदर मीनाक्षी से सादगी लग रही है। सब कुछ होगा जो सही बोलेगा। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं क्यों ना अच्छा कितना सुंदर लग रहा है। अरे मैं चप्पल पसंद रही हूँ, मेरा गेंदा कितना अच्छा लग रहा है, गेंदा दिखाई।
जरा बढ़िया से भाई मजा तो आता है ऐसे ना। फ्रेंड्स जो मेरा दूसरा गेम है वो भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार है और वो भी तीज के ऊपर गेम है। और ये थोड़ा सा मेमोरी गेम है और इसमें ये ग्रुप गेम है जिसमें आप ग्रुप में अपने मेंबर्स को खिला सकते हैं। आप कितने भी ग्रुप में मेंबर्स हो, आपके 5, 10, 15 जितने भी हो, चाहे 20 हो, और आप ये गेम खिलाएंगे तो वो ग्रुप मेंबर्स जो होंगे वो भी बहुत मज़े करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी सब आउट भी होते रहेंगे। तो ये गेम कैसे खेलना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको देखकर तो आपको लग ही रहा होगा कि कितना मज़ेदार लग रहा है। ठुमका लगाकर, चूड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर, सिंदूर लगाकर, गजरा लगाकर, पल्लू लहराकर, हाय मैं तो खेलूंगी, हैप्पी तीज। तो इसको किस तरीके से खेलना है, ये वाला पेपर बिल्कुल भी हटा देना है। क्या करना है आपको, अपने जितने मेंबर्स हों उन्हें ग्रुप में खड़ा कर लेना है और हमें बस इसमें म्यूजिक चाहिए ही चाहिए। उसमें हमें क्या करना है, आप 30 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए म्यूजिक चला देंगे और अपने जितने मेंबर्स हैं उनसे कहेंगे कि वो डांस करें, किसी भी तरीके का डांस करें। और उससे पहले होस्ट को आप इस तरीके से पेपर दे देंगे और उनसे कहेंगे कि वो एक बार आकर के ये पेपर बोलेंगे, वो सारे मेंबर्स से के सामने ये बोलना है, ठुमका लगाकर, चूड़ी पहनकर, बिंदी लगाकर, सिंदूर लगाकर, गजरा लगाकर, पल्लू लहराकर, हाय मैं तो खेलूंगी। उन्हें क्या करना है कि जब म्यूजिक स्टार्ट होगा तब सबको डांस करना है, सारे जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स ग्रुप में खड़े होकर डांस करेंगे। और उसके बाद ये पेपर हटा लेना है और उनसे कहना है जैसे ही 30 सेकंड के बाद जो हमारा म्यूजिक है वो रुकेगा तो उन्हें इनमें से कोई भी एक्शन करना है, चाहे आप ठुमका लगाते रहें वो, चाहे चूड़ी पहनने का जैसे इस तरीके का चूड़ी पहनकर एक्शन, या बिंदी लगाकर, सिंदूर लगाकर, या गजरा लगाकर सर पे गजरे का, जैसे पल्लू लहराकर अपने जो दुपट्टा पहने हो, साड़ी पहने उनका पल्लू लहराकर वो एक्शन करते रहेंगे। और फिर होस्ट जब आएंगे और वो पल्लू जो भी एक्शन करते हैं वो करते ही रहेंगे। अब ऐसा होगा कि कोई चार लोग ठुमका लगा रहे होंगे, कोई दो लोग चूड़ी पहन रहे होंगे, कोई 3-4 लोग जो होंगे वो बिंदी लगाने का एक्शन कर रहे होंगे, कोई सिंदूर लगाने का एक्शन कर रहा होगा, कोई गजरा लगाने का एक्शन कर रहा होगा सर पे, और कोई पल्लू लहरा रहा होगा। तो अब जो होस्ट होगा वो आएगा और वो इस तरीके से हमने 6 पर्ची इन्हीं सारी चीजों की लगा ली है। अब वो इनमें से कोई भी एक पर्ची उठाएगा और जैसे हमने ये पर्ची ले, उसमें है पल्लू लहराकर। अब इसमें जब पल्लू लहराकर आया है तो इसका मतलब वो बोलेगा पल्लू लहराकर, तो जितने मेंबर्स पल्लू लहरा रहे होंगे वो गेम से आउट हो जाएंगे। यानी अगर आपके 6 मेंबर पल्लू लहरा रहे होंगे वो तो सारे के सारे गेम से आउट हो जाएंगे। और इस तरीके से जो सबसे लास्ट में आपको फिर से 30 सेकंड का जितने आउट हो जाएंगे उन्हें बैठा लेना है और फिर जब 30 सेकंड का गेम कराना है और सब डांस करेंगे। और फिर जब वो 30 सेकंड के बाद जब आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा तब आप फिर से एक स्लिप उठाएंगे जो भी होस्ट होगा और वो करेगा चूड़ी पहन के, तो जितने मेंबर्स होंगे चूड़ी पहनने का एक्शन कर रहे होंगे वो सारे आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको लगातार ये करते रहना है। इस वाले पेपर को अगर आप हर बार नहीं बोलना चाहती, फर्स्ट वाली बोलिए ताकि उन्हें याद रहेगा, जिस जिसको याद रहेगा वो उसी तरीके से एक्शन करता रहेगा। और फिर जो सबसे लास्ट में बचेंगे, 2 लोग बचेंगे, 4 लोग बचेंगे, जो 2 लोग भी बचेंगे उनको भी आपको यही कराते रहना है। अब कभी ऐसा हो सकता है दोनों एक ही एक्शन कर रहे होंगे तो आप उनके नाम की स्लिप डाल दीजिए और उनमें से एक
जिसकी भी स्लिप निकलेगी वही हमारा लकी विनर होगा। और अगर आपने जैसे एक पल्लू लहरा रहा है और एक बिंदी लगाने का एक्शन कर रहा है और आपकी स्लिप निकल आई बिंदी लगाकर, तो बिंदी लगाने वाला आउट हो जाएगा और पल्लू लहराने वाला आपका गेम का विनर हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये गेम? बहुत ही मजेदार, बहुत ही मस्त गेम है। ये भी गेम मैंने करवाया था और सबने बहुत मजे किए थे, क्योंकि इसमें ये आपका ट्विन वन गेम है, क्योंकि इसमें आप डांस भी करते हुए मजे भी कर रहे हैं और साथ ही आपका गेम भी इसमें हो रहा है और ये बहुत ही मजा आता है इस गेम में और सब लोग बहुत मजे करते हैं। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो आप अपनी तीज पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, किसी भी किटी पार्टी में आप ये गेम करा सकते हैं और सारे ही आपके बहुत ही मजे लेंगे और मजे करेंगे भी बहुत ही ज्यादा। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो फिर से एक लाइक और शेयर तो मेरा बनता ही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैप्पी तीज।